ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं वो तो खैर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर संभालेंगे, मैं तो एज एन एक्टर ही बात कर सकता हूँ। और वो ये है कि जब इस कंडीशंस ऐसी हो जाएं जहाँ पे इम्प्रोवाइज़ करते हुए थोड़ा डर लगने लगे कि मेरे मुंह से कोई गलत बात तो नहीं निकल रही, तो वो थोड़ा सा स्कैरी हो जाती है वो सिचुएशंस, क्योंकि हर जगह हर फिल्म में थोड़ा सा सोच समझ के बोलना जब होता है तो बहुत ही मैकेनिकल होने का डर रहता है एक्टर को। अब जैसे कुशान ने भी बताया कि लाइक मैं गोली तो ऐसे नहीं मार सकता, भाई आइए जनाब सामने मैं आपको गोली मार रहा हूँ, और उसी चूँकि जिस जगह का वो कैरेक्टर है उसी तरह की वो लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा और उससे ऑथेंटिक बनता है कैरेक्टर। कभी कभी क्या होता है कि गाली गाली नहीं होती, एक लैंग्वेज की तरह उसको यूज़ किया जाता है जिससे एक लाइक एक वेट आता है कैरेक्टर में, एक कैरेक्टर इस्टेब्लिश करने के बहुत सारे नुएंसेस यूज़ करने पर, तो वो तभी होते हैं जब थोड़ा जो लोकल लोकल फ्लेवर जो उसमें ऐड किया जाता है। या तो ये है कि भाई इस तरह की फिल्म बननी बंद हो जाए तो बस वही फिर जो पहले से बनती आ रही हैं साफ़ सुथरी फिल्में जो हैं वही करते रहें, जैसे इस तरह की फिल्मों को कहा जाता है कि भाई ये तो इस तरह की फिल्म बेकार हैं ये वो व्हाटएवर जो भी है। तो मेरा एज एन एक्टर मानना ये है कि जितनी लोकल होगी फिल्म उतनी ग्लोबल भी होगी। अगर आप इस तरह की फिल्मों को बिल्कुल वॉश आउट कर रहे हो तो फिर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्मों का आउटकम वो 0% होने वाला है। तो बेटर है कि हम इस तरफ भी सोचने की ज़रूरत है। तो जो मेरी एज एन एक्टर जो प्रॉब्लम थी मैंने वो बता दी, क्योंकि इम्प्रोवाइज़ करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी, वो सोचना पड़ता है कि नहीं ये गलत लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, तो फिर कैरेक्टर तो क्या करेंगे फिर, यही है।